श्री गुलाम अली सर, हमारे जो सड़क के हॉनरेबल मिनिस्टर हैं, जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे 4 लेन 6 लेन टनल्स जम्मू और कश्मीर में दूरी कम हो रही है। हमारे पास अल्फाज कम हैं एप्रिसिएशन के। एक छोटा सा बात है कि कश्मीर और जम्मू के बीच में एक खित्ता है, उसको खित्ता चनाब बोलते हैं, दरियाए चनाब। उसके आसपास क्या है कि जो एक्सीडेंट क्रैश बैरियर होते हैं, तो क्या है चेयरमैन सर के वो जितना मर्जी बड़ा ट्रक है, एक बार वो स्किप हो गया रोड से तो वो अब हाइड्रो की वजह से लेक है, तो वो वापस ना डेड बॉडी ना वो ट्रक मिलता है। तो मैं हॉनरेबल मिनिस्टर साहब से ये कहूँगा कि डोडा से किश्तवाड़ और उधमपुर से जो नेशनल हाईवे है श्रीनगर की तरफ बनिहाल की तरफ, इसमें एक्सीडेंट क्रैश बैरियर अगर हों तो हमारे जो हादसे हैं वो थोड़े कम किए जा सकते हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर। चेयरमैन महोदय, इसमें ये बहुत ही कठिन ऐसी जगह है जहाँ पहाड़ियों से रास्ता जाता है, और जम्मू से श्रीनगर के बीच में हम 18 टनल बना रहे हैं, उसमें से 14 टनल पूरी हुई है। और सही में मुझे खुशी होती है कि कश्मीर से कन्याकुमारी हम पहले भाषण में बोलते थे, अभी जैसे आप कल ही में हिमाचल प्रदेश में था मनाली में, तो मनाली से हम जब रोहतांग पास जाते हैं तो वहाँ जाने के लिए हमको 3.5 घंटे लगते थे, अब अटल टनल बन गई, 8 मिनट में आते हैं। और उसके बाहर आने के बाद हम लद्दाख लेह तक 5 टनल बना रहे हैं। और मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा, मैंने लोकसभा के स्पीकर से आने वाले थे, हमारी कमेटी को आप राज्यसभा को भी आमंत्रित करता हूँ, हमने कारगिल में एक एशिया की सबसे बड़ी टनल बना रहे जो -8 डिग्री में काम हो रहा है, और उस टनल में एस्टिमेट कॉस्ट से 5,000 करोड़ बचाए गए और करीब 70% काम पूरा हुआ है। स्टेट ऑफ आर्ट है और एशिया का सबसे बड़ा 11 किलोमीटर का ये है, तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि उससे हम लोग झेड़मोड़ टनल बन गई है, वहाँ से श्रीनगर आते हैं, श्रीनगर के बाद जम्मू आते समय कटरा एक्सप्रेस हाईवे लगता है दिल्ली के लिए, तो कटरा दिल्ली 6 घंटे में, अमृतसर 4 घंटे में, और दिल्ली से दिल्ली मुंबई हाईवे से सूरत तक, और सूरत से अहमदाबाद, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर और कन्याकुमारी तक जाएंगे। तो ये कश्मीर से कन्याकुमारी, इसमें कश्मीर में बहुत बड़े प्रमाण पर काम हो रहा है। और ये जो बात इन्होंने कही है, ये भी सच है कि एक्सीडेंट बहुत होते हैं, क्रैश बैरियर पहले लोहे के लगते थे, मुझे बताते हुए खुशी है मैंने इसी सभागृह में जवाब दिया था कि अब बाम्बू के क्रैश बैरियर बन गए, और आसाम से जो बाम्बू है उसके हमने अनेक जगह कुछ इको फ्रेंडली बाम्बू क्रैश बैरियर बना रहे, जिसमें आदिवासी और किसानों को काम मिलेगा। तीसरी बात जो आपने कही है वो बिल्कुल सही है कि जहाँ ट्रक बिल्कुल नीचे चले जाते, तो एक नई टेक्नोलॉजी आई है कि कंक्रीट में ऐसे प्लास्टिक के गोल होते हैं, उसके ऊपर वो ट्रक कितने भी स्पीड जाते तो वो एकदम पीछे आता है, नीचे नहीं जाता। तो जहाँ ऐसे उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, उसके स्पॉट आप बता रहे हैं उसको वेरीफाई करके, वो इस प्रकार की कठिनाई की जगह पर उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, अरुणाचल जो पहाड़ीय प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश है, उसमें जो गाड़ियाँ नीचे जा रही है उसमें इस प्रकार का कुछ जगह हमने प्रयोग किया है, ये भी आपने बताए हुए स्पॉट पर करके हम कोशिश करेंगे कि इसमें किस प्रकार से एक्सीडेंट कम हो और जान बचे।